नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत भाषा देववाणी है, इसको गीर्वाणी भी बोलते हैं, भारती भी बोलते हैं। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है, इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है और जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो आइए साथियों, जानते हैं संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में कि संस्कृत भाषा क्या है। तो इस निबंध को हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, अस्मिन का मतलब इस संसारे, संसार में। असंख्या, असंख्या का मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, वो असंख्या। भाषा, भाषा बहुत सारी भाषाएं संति मीन्स हैं। अस्मिन संसारे असंख्या भाषा संति, इस संसार में असंख्य भाषाएं हैं। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे, तासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सर्वोत्तमा विद्यते। तासु, तासु मीन्स उन भाषाओं में, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट लैंग्वेज, सर्वोत्तमा और सर्वोत्तम विद्यते मीन्स है। तासु, उन सब भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम सर्वोत्तम है। संस्कृता, संस्कृत के द्वारा परिष्कृता, परिष्कृत, दोष रहिता, दोष रहित, और भाषा, भाषा निगतते कही जाती है। क्या? संस्कृत, संस्कृत जो भाषा है वो परिष्कृत और दोष रहित भाषा कही जाती है। इसमें कहीं पर भी कोई भी दोष नहीं है। नेक्स्ट है, इयमेव भाषा, यही भाषा क्या है? अमर भारती कही जाती है इसको। इस भाषा को क्या कहा जाता है? अमर भारती। नेक्स्ट है गीरवाणी, फिर है देव भाषा, फिर है सुरवाणी, इत्यादि भी शब्द, इत्यादि शब्दों से संबोध्यते, संबोधित की जाती है। इयमेव भाषा, अमर भारती, गीर्वाणी, देव भाषा, सुरवाणी, इत्यादि भी शब्द संबोध्यते। यही भाषा अमर भारती, गीर्वाणी, देव भाषा, सुरवाणी इत्यादि शब्दों से संबोधित की जाती है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा जगत है, संस्कृत भाषा संसार की सर्वासाम सभी भाषाणाम भाषाओं की जननी माता वर्तते है। संस्कृत भाषा जगत है सर्वासाम भाषाणाम जननी वर्तते। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से ही बनी है, संस्कृत भाषा से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो मूल आधार संस्कृत भाषा है, सभी भाषाओं का मूल आधार क्या है? संस्कृत भाषा। भारतस से भारत की, तू मीन्स तो, सर्वा सभी, एव ही, एव मीन्स ही, भाषा, भाषाएं, अस्या भाषाया, पुत्रे है, पुत्रियां संति हैं। फिर दोबारा देखेंगे, भारतस्य तु, भारत की तो, सर्वा एव भाषा, सभी ही भाषाएं, अस्या भाषाया, इस भाषा की पुत्रे संति पुत्रियां हैं। भारत की तो सभी भाषाएं इस भाषा की पुत्रियां हैं। प्राय संसारस्य, संसार की, सर्वेषु देशेषु, सभी देशों में, संस्कृत ग्रंथानाम, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययनम, अध्ययन क्रियते, किया जाता है। प्राय संसारस्य, सर्वेषु देशेषु, संसार के सभी देशों में, संस्कृत ग्रंथानाम, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययनम क्रियते, अध्ययन किया जाता है। जैसे कौन कौन से ग्रंथ मुख्य रूप से? आदि काव्यम रामायणम, आदि काव्य रामायण,
शांत रस पूर्ण वीर काव्यम महाभारतम अपि, शांत रस से पूर्ण वीर काव्य महाभारत भी संस्कृत से संस्कृत के गौरवम वर्धते, गौरव को बढ़ाता है। अर्थात आदि काव्यम रामायणम शांत रस पूर्णम वीर काव्यम महाभारतम अपि संस्कृत से गौरवम वर्धयते। आदि काव्य रामायण शांत रस पूर्ण वीर काव्य महाभारत भी संस्कृत के गौरव को बढ़ाती है। नेक्स्ट, गीता नामकम ग्रंथ रत्नम केन जानन्ति, गीता नामक ग्रंथ रत्न को केन जानन्ति, कौन नहीं जानते हैं। अर्थात सब जानते हैं पुराणानि पुराण, पुराणानि पुराण स्मृति ग्रंथा स्मृति ग्रंथ, अन्यत विषयकम और दूसरे विषय संबंधित, देखिए सर्वम साहित्यम सारा साहित्य संस्कृत से संस्कृत के महात्म्यम महात्म्य को उद्घोषित करती हैं बताती हैं। फिर देखेंगे पुराणानि पुराण स्मृति ग्रंथा स्मृति ग्रंथ, अन्यत विषयकम च सर्वम साहित्यम और दूसरे विषयों से संबंधित सभी साहित्य संस्कृतस्य महात्म्यम उद्घोषयति, संस्कृत के महात्म्य की घोषणा करते हैं। संसारे संसार में अस्य अध्ययने, संसार में इसके अध्ययन में, अध्यापने अध्यापन में, प्रचारे प्रचार में, प्रसारे च और प्रसार में, सततम निरंतर प्रयत्नियम प्रयत्न करना चाहिए। संसारे अस्याः अध्ययने अध्यापने प्रचारे प्रसारे चे सततम प्रयत्नियम, संसार में इसके अध्ययन में अध्यापन में प्रचार में और प्रसार में निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।